आप सभी को नमस्कार। आप जानती हैं मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हूं और बहुत बार गवर्नमेंट स्कूल में अलग अलग ड्यूटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया करता हूं और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं। तो इस वाली वीडियो में भी मैं अपनी पुरानी एक जो वीडियोज़ है उनके कंटिन्यूशन में बना रहा हूँ, जो कि है स्टैंडर्ड क्लब की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से स्टैंडर्ड क्लब चलाया जाता है जो हमारे स्कूल में भी चलता है, और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर रखे हैं और उसका मेंटर टीचर मैं हूँ। तो उसकी एक्टिविटीज़ करवानी होती है। पहली फर्स्ट एक्टिविटी मैंने राइटिंग कंपटीशन करवाया था, तो उसके बारे में वीडियो बना के आपको दिखाया था मैंने। दूसरा, मैं जब लेबोरेटरी विजिट के लिए बच्चों को लेके गया था मैंने उसका भी वीडियो बताया था, आपको बना के दिखाया है। उन दोनों के ही लिंक्स भले ही आप देखना चाहो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। दूसरी जो एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटीज़ होती है, पहली राइटिंग कंपटीशन, दूसरी जो एक्टिविटी है ये है क्विज़ कंपटीशन, जिसके अंदर की सेम वैसा ही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं होता है। अब इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि मैं कैसे ये एक्टिविटीज़ प्लान करता हूँ, कैसे करवाता हूँ, क्योंकि एक मेंटर टीचर का काम कोऑर्डिनेट करने का भी होता है, उसे सारी व्यवस्था देखनी होती है, सब कुछ प्लान करना होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम लोग ब्यूरो के अंदर जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनसे बात करते हैं। मेरे केस के अंदर श्री उमंग गुप्ता जी हैं जो जनरली मुझे एक्टिविटीज़ करवाने के लिए हमारे स्कूल के अंदर आते हैं। मैं उनसे वर्बली कांटेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और ऑफिशियली उन्हें एक मेल लिख के भेजता हूँ अपने स्कूल की तरफ से कि सर वी वांट टू कंडक्ट दिस फॉलोइंग ये एक्टिविटी इन आर स्कूल फॉर इन स्टैंडर्ड क्लब, सो काइंडली गाइड अस। इस तरह से करके हम एक मेल भेजते हैं, उसमें हम स्कूल का नाम, स्कूल की डिटेल्स, स्कूल का एड्रेस, उसके अलावा किस डेट पर एक्टिविटी करवानी है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर लिख के भेज देते हैं। ये हमारा ऑफिशियल तरीका हो गया कम्युनिकेट करने का ब्यूरो से। इसके रिस्पॉन्स में ब्यूरो हमें वापस मेल करता है कि आपकी डेट्स कंफर्म की जाती है और आप इस डेट के ऊपर हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ आपके स्कूल में आएंगे और वो एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे। अब जिस दिन जैसे डेट आती है तो उस दिन हमें कोऑर्डिनेट करना होता है रिसोर्स पर्सन से कि उनको स्कूल आने में कोई तकलीफ़ ना हो, उनको एड्रेस वगैरह भेजना होता है। बहुत बार हम लोग जैसे मैं मेरे केस में मैं लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ स्कूल की कि सर हम स्कूल में यहाँ पे हैं, स्कूल की लोकेशन है, आप यहाँ पहुँच जाइएगा, तो इससे उनको कंफर्टेबल रहता है। फिर रिसोर्स पर्सन वगैरह आते हैं, आने के बाद में हम उनसे मिलते हैं और बच्चों को प्लान वन करते हैं। अच्छा, स्कूल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट क्लासेस के रूप में कियान प्रोवाइड किए गए हैं, जो प्रोजेक्टर होते हैं, मतलब प्रोजेक्टर कम कंप्यूटर उसके अंदर ही होता है, तो एक कंपाइल्ड चीज़ रहती है वो, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है हमें। तो उसके ऊपर हम लोग उनके द्वारा जो भी भेजा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, रिसोर्स पर्सन हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकता है, उसके अलावा क्विज़ के क्वेश्चन हैं, जैसे इस केस के अंदर क्विज़ के क्वेश्चन हमें सर ने भेज दिए थे और वो मैं पहले ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लोड करके रखता हूँ। फिर सर आए थे, हमने अटेंडेंस शीट वगैरह भरवाने का काम किया, क्योंकि ऐसे एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले अटेंडेंस होती है, फिर उसके ऊपर मेंटर टीचर के साइन होते हैं, रिसोर्स पर्सन के साइन होते हैं और फाइनली प्रिंसिपल सर के साइन होते हैं, और फिर ये एक्टिविटी ऑफिशियल मानी जाती है और फिर इसकी रिपोर्ट जो है ब्यूरो को भेज जाती है अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स जो हम लोग एक्टिविटी करवाते टाइम खींचते हैं। तो ये सब करना होता है, ये सब मेंटर टीचर का रोल होता है। मेंटर टीचर इस चीज इन सब चीज़ों का ध्यान देता है। रिसोर्स पर्सन अपना पीपीटी जो भी वो बना के लाए हैं या क्वेश्चंस बना के लाए हैं वो बच्चों को देते हैं, अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, कॉपीज़ वगैरह चेक करके रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर के द्वारा हम लोग ये रिजल्ट जो है बच्चों प्राइजेज जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक जनरल प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड क्लब की एक्टिविटी का। तो आप भी अगर कभी फ्यूचर में स्टैंडर्ड क्लब की एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अटेंडेंस शीट जरूर साइन करवाएं, रिसोर्स पर्सन से कोऑर्डिनेट जरूर करें और ऑफिशियल मेल जरूर भेजें, क्योंकि ऑफिशियल मेल से आपका काम पक्का हो जाता है। तो स्टैंडर्ड क्लब की एक्टिविटी करवाने का ये सबसे सिंपल शॉर्ट तरीका है
कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होती इसके अंदर, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। कुछ सबसे अच्छी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मानता हूँ मैं कि बच्चों को नया एक्सपोजर मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये एक्टिविटी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में तो बहुत एक्सटेंसिव रूप से चल रही है। हम साल में 3 एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मैं दूसरी एक्टिविटी करवा रहा हूँ ये वाली, तो आप इसको देख सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं एक्टिविटी के लिए, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ब्यूरो के भी लोगों से बात करवा दूंगा या उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको स्कूल में स्टैंडर्ड क्लब कैसे बनाना है और एक्टिविटी कैसे करवानी है। थैंक यू।